ये देखेंगे, ये अवध मॉल है और अवध मॉल का भी जो निर्माण है वो तेजी से चल रहा है। जय श्री राम, मैं हूँ पवन यादव अयोध्या से। सो गाइस, आज हम आपको दिखाते हैं अयोध्या में जो कॉमन बिल्डिंग कोड को फॉलो करके निर्माण किए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे किस तरीके से निर्माण जो है कॉमन बिल्डिंग कोड के हो रहे हैं। ये साइड आप देखो, ये साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी न्यावा साइड में कॉमन बिल्डिंग कोड को फॉलो करके निर्माण हो रहे हैं। आज हम यही पर्पज़ रहेगा मेरा कि कॉमन बिल्डिंग कोड के ऊपर। तो कॉमन बिल्डिंग कोड जो है वो एक जैसा सेम घर और सेम कलर में रहेगा और अयोध्या में 13 किलोमीटर तक लागू कर दिया गया है जो कि राम पथ पर किया गया है। तो आज हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो कॉमन बिल्डिंग कोड को बनाया जा रहा है और कितना निर्माण जो है राम पथ पर कॉमन बिल्डिंग कोड यानी घर का रिनोवेशन जो है वो कंप्लीट हुआ है। यह न्यावा चौराहा है और यहाँ से हम राइट मुड़ते हैं और यहाँ से सीधे ये आपको लता मंगेशकर चौक तक पूरा लेकर जाएगी। तो इधर साइड आप देखेंगे तो दोनों साइड में जो है बिल्डिंग जो है उसका निर्माण जो है वो हो रहे हैं और इसका रिनोवेशन हो रहे हैं। इधर साइड देखेंगे तो सारे बिल्डिंगों का निर्माण जो है वो फिर से हो गए हैं, जो घर जो दुकानें जो टूटी थी। हमारे राइट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन बिल्डिंग कोड को फॉलो करके निर्माण जो है वो किए जा रहे हैं, अभी प्लास्टर यहाँ पर नहीं हुआ है। इधर साइड हमारे राइट हैंड साइड में और बहुत जगह पे कलर हो गया है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर डिफरेंट कलर में जो है कॉमन बिल्डिंग कोड को पेंट कर रहे हैं। कोई येलो कर रहा है तो कोई अजीब सा कर रहा है, कोई कलर बहुत अजीब अजीब से कलर हो रहे हैं। इधर साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी देखिए कॉमन बिल्डिंग कोड को फॉलो करके किस तरीके से जो है यहाँ पर निर्माण चल रहे हैं और आपको रंग बिरंगे घर दिख रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। इसमें भगवा कलर का जो है कलर जो है वो दिया गया है जो कि राम पथ पर ये आपको देखने को मिलता है। इस साइड आप देखेंगे तो पूरा किस तरीके से जो है आपको ये नया वी मार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये कॉमन बिल्डिंग कोड के उसमें बनाया गया है। और यहाँ पर देखेंगे हल्का येलो टाइप में आपको दिखता है। ये सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं होने वाला है। और कुछ दिनों में जब ये पूरा निर्माण हो जाएगा उसके बाद जो सरकार ने लागू की थी एक कलर में घर उसी तरीके से होंगे। और मैं भी आने वाले टाइम पे इन लोग को देखते हुए सब सरकार कराएगी और सारे कलर सरकार कराएगी, वो भी एक कलर में। अभी आप देखोगे सब डिफरेंट डिफरेंट अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, सब अलग अलग कलर में, कोई येलो कोई वाइट कोई भगवा कोई दूसरा कलर ऑरेंज कलर सब ऐसे करा रहे हैं। बट ऐसा ना कराएं, जो सरकार ने ऑर्डर दिया था उसी तरीके से कराएं। और मैंने बहुत पहले भी डिस्कस किया था कि अगर जो कॉमन बिल्डिंग कोड है उसको सरकार अगर बनाती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। ये पब्लिक के हवाले की है और पब्लिक ना अपनी मनमर्जी के तरीके से पूरा जो है कॉमन बिल्डिंग कोड को निर्माण कर रही है पैसा बचा बचा के, ये चीज़ ठीक नहीं है। और भी हम आपको दिखाते हैं तो बहुत रंग बिरंगे घर दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं, सब एक कलर में घर होता तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता। इधर साइड आपको हम दिखाते हैं, ये देखेंगे ये अवध मॉल है और अवध मॉल का भी जो निर्माण है वो तेज़ी से चल रहा है और अभी इसकी फिनिशिंग वगैरह बचा हुआ है। अगर ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम अंदर जाकर पूरा आपको दिखाते हैं। और भी हम दिखाते हैं, इधर साइड आप देखो कॉमन बिल्डिंग कोड। मुझे तो बहुत ही बेकार लगा, इसीलिए मैं स्पेशली आप लोग को बता रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत ही बेकार लग रहा है। सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर में जो घर हैं उनको पेंट करा रहे हैं, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है दिखने में। राम पथ पर अगर एक कलर में घर होता तो बहुत ही प्यारा लगता और बहुत ही अच्छा लगता दिखने में। इधर साइड निर्माण जो है राम पथ के किस तरीके से चल रहे हैं ये आप देखो, हमारे लेफ्ट में और राइट हैंड साइड में। और बहुत जगह पे रास्ते को ब्लॉक भी कर दिया गया है तो इसलिए बहुत देख के आए। देखिए रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं राम पथ के साइड, आप देखिए यहाँ पर भी निर्माण चल रहे हैं, चैम्बर के भी काम चल रहे हैं। इधर साइड हमारे राइट लेफ्ट हैंड साइड में ये सब चैम्बर बन रहे हैं, बैरिकेडिंग कर दिया गया इधर साइड। इधर साइड भी बहुत घर जो घर टूटे थे, देखिए किस तरीके से निर्माण जो है वो पूरे राम पथ पर चल रहा है और कॉमन बिल्डिंग कोड को फॉलो करके
पूरा यहाँ से लता मंगेशकर चौक तक पूरा बनाए जा रहे हैं, तो वो लंबी वीडियो हो जाएगी, तो उसको मैं सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा। और भी जितना इधर है मैं आपको दिखाता हूँ इस क्षेत्र में, जो कि न्यावा से पूरा ये निकला हुआ है। इस साइड आप देखो, हमारे राइट हैंड साइड, इसको कॉमन बिल्डिंग कोड को फॉलो करके सारे निर्माण जो हैं इधर किए जा रहे हैं इस साइड आप देखो पूरा कितना बड़ा ये बिल्डिंग जो है पूरा तैयार हो रहा है। इधर साइड में हमारे राइट हैंड साइड आप देखो कितना प्यारा लग रहा है देखने में, और वहाँ पे कृष्ण जी का मूर्ति जो है वो रखी गई है, तो वो देखने में और भी प्यारा लग रहा है। इस साइड आप देखो, तो यहाँ पर भी कॉमन बिल्डिंग कोड को फॉलो करके निर्माण इधर भी कर रहे हैं हमारे राइट हैंड साइड में। और इधर से रास्ता जो है पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, और आगे भी थोड़ा मोड़े बचे हैं रास्ते। इधर साइड देखेंगे यहाँ पर चैम्बर के काम जो है वो हो रहे हैं, ये आप देखो पूरा इधर चैम्बर के काम हो रहे हैं। और इधर भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें पूरी टूटी हुई हैं, ये सब कॉमन बिल्डिंग कोड को फॉलो करके निर्माण जो है वो पूरे किए जाएंगे। और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो भाई साहब अगर काम हो तभी आप आओ इस पर, वरना मत आओ, हालत ख़राब हो जाती है गाड़ी चलाते चलाते। इस साइड देखिए, यहाँ पर भी छोटू सा ये देखेंगे दुकान है, यहाँ पर भी कॉमन बिल्डिंग कोड को फॉलो करके निर्माण जो है वो पूरे किए गए हैं। देखिए इस साइड भी, ये हमारे लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड देखेंगे, यहाँ पर यूको बैंक था, जो कि ये आगे से पूरा उसका अभी डिस्टर्ब हो गया, पूरा टूट गया आगे से। और यहाँ पर भी बहुत सारी पुराने पुराने बिल्डिंगें थी, वो भी सब टूट के और कॉमन बिल्डिंग कोड को फॉलो करके निर्माण जो है वो पूरे हुए हैं इधर साइड। तो कुछ इस तरीके से कॉमन बिल्डिंग कोड को फॉलो कर रहे हैं, और मुझे यही बताना था कि किस तरीके से जो कॉमन बिल्डिंग कोड है उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर में किए जा रहे हैं। और अगर मैं लता मंगेशकर चौक तक लेकर जाता तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती, और रास्ते ब्लॉक भी हैं तो वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है अब रामपथ पर। तो मैं आपको थोड़ा सा मॉडल जो दिखाया हूँ किस तरीके से कॉमन बिल्डिंग कोड को बनाया जा रहा है, बनाने में तो ठीक है सब एक जैसे बन रहे हैं, बट कलर जो है वो डिफरेंट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपको बताया अलग अलग कलर में कर रहा है, तो वो चीज़ देखने में बहुत ही ज़्यादा भद्दा लग रहा है, बेकार लग रहा है। तो जब सरकार अपने मूड पे आएगी तो सब कुछ ना चेंज हो जाएगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो आप कहाँ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, बोलिए जय श्री राम।